बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ गाजर वाली खीर बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चले देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाते हैं। गाजर खीर बनाने के लिए मैंने 1 कप चावल लिए हैं, इनको अच्छी तरह धोकर भिगो दिया था। 200 ग्राम कश की हुई गाजरें, 1 कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, उस तरीके से आप बना सकते हैं या फिर आप बना बनाया भी ले सकते हैं। 1 कप चीनी, क्योंकि कंडेंस मिल्क में भी काफ़ी शुगर होती है तो मैं 1 कप डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 250 ml हम डबल क्रीम के डालेंगे। 1 पिंच ज़ाफ़रान, 4-5 सब्ज़ इलायची और 2.5 लीटर दूध। ये दूध मैंने ऑलरेडी पकने के लिए रख दिया है। दूध हमारा पकने लग गया है, गर्म हो चुका है, तब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। जब चावल थोड़े गल जाएंगे तो फिर हम इसमें गाजरें शामिल कर देंगे। इसको हल्की आंच पे पकाएंगे और साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच भी चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। चावलों के साथ ही हम सब्ज़ इलायची भी शामिल कर देंगे। चावल देखे हमारे गल चुके हैं, अब हम इसमें गाजरें शामिल कर देंगे। खीर को हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह गल नहीं जाती और गाढ़ी नहीं हो जाती चावल और गाजरें। गाजरें और चावल काफ़ी हद तक गल चुके हैं, अब इस पॉइंट पे हम इसमें क्रीम शामिल कर देंगे और ज़ाफ़रान शामिल कर देंगे। अब इस पॉइंट पे चम्मच आपने बराबर चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क और चीनी शामिल कर देंगे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप सिर्फ चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खीर देखे हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसको निकाल कर ठंडा कर लेंगे और गार्निश करके इसको सर्व करेंगे। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी क्योंकि ये ठंडी होके और भी गाढ़ी हो जानी है। अब हम इसको निकाल लेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे।
खीर पे हम बादाम या पिस्ता लगा के इसको सर्व करेंगे। जो भी आपके पास घर पे हो आप इसको लगा के सर्व कर सकते हैं। बादाम ले लें या पिस्ता, जो भी आपके पास घर में हो, इस तरह क्रश कर लेंगे। क्रश करके इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे। गार्निश करके इसको फ्रिज में रख के ठंडी करके सर्व करेंगे। खीर हमारी तैयार हो चुकी है, गाजर वाली खीर। इसकी रेसिपी इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। इसी तरह की मज़ीद नई वीडियोस के लिए, रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।